कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने न दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जब तक आप बेहतर नहीं जानते, तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ करें। फिर जब आप बेहतर जानते हैं तो बेहतर करें। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन, बलिदान और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं उसके प्रति प्यार है। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जो बिना कड़ी मेहनत के शीर्ष पर पहुंच गया हो। यही नुस्खा है। ये आपको हमेशा शीर्ष पर नहीं ले जाएगा, लेकिन आपको इसके काफी करीब ले जाएगा। कड़ी मेहनत लोगों के चरित्र पर प्रकाश डालती है। कुछ अपनी आस्तीन ऊपर कर लेते हैं, कुछ अपनी नाक ऊपर कर लेते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आपके और अत्यधिक सफलता के बीच एकमात्र चीज निरंतर प्रगति है। आपको अनुशासन की आवश्यकता है। प्रतिभा टेबल सॉल्ट से सस्ती है। जो चीज प्रतिभाशाली व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वह है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत तभी जेल की सजा है अगर इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार जब यह हो जाता है तो यह उस तरह की चीज बन जाती है जो आपको अपनी पत्नी को कमर से पकड़कर नाचने पर मजबूर कर देती है। लड़ाई गवाहों से दूर जीती या हारी जाती है, लाइनों के पीछे, जिम में और वहां सड़क पर। इससे पहले कि मैं उन रोशनी के नीचे नृत्य करूं, दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा हासिल की गई हैं जो तब प्रयास करते रहे जब कोई उम्मीद नहीं थी। शब्दकोश ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां सफलता काम से पहले आती है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और विफलता से सीखने का परिणाम है। सफल होने के लिए नहीं, बल्कि मूल्यवान बनने के लिए प्रयास करें। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास न करें, बल्कि एक मूल्यवान व्यक्ति बने। बिना उत्साह खोए असफलता से असफलता की ओर ठोकर खाते जाना ही सफलता है। दीवार को दरवाजे में बदलने की आशा में उसे पीटने में समय मत बर्बाद करो। असफल होना कठिन है, लेकिन सफल होने के लिए कभी प्रयास ही न करना उससे भी बुरा है। यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इसे लोगों या चीजों से नहीं, बल्कि एक लक्ष्य से बांधें। किसी कठिन कार्य की शुरुआत में हमारा रवैया किसी भी अन्य चीज से अधिक उसके सफल परिणाम को प्रभावित करेगा। सफलता पिछली तैयारी पर निर्भर करती है और ऐसी तैयारी के बिना असफलता निश्चित है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। नकल में सफल होने की अपेक्षा मौलिकता में असफल होना बेहतर है। ज्यादातर चीजों में सफलता यह जानने पर निर्भर करती है कि सफल होने में कितना समय लगता है। मैं असफलता में विश्वास नहीं करता। यदि आपने प्रक्रिया का आनंद लिया तो यह असफलता नहीं है। सफलता यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए, बल्कि यह है कि आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव कैसे लाते हैं। सफलता का सबसे बुरा हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपके लिए खुश हो। मैं आज सफल हूं क्योंकि मेरे पास एक दोस्त था जो मुझ पर विश्वास करता था और मेरे पास उसे निराश करने का साहस नहीं था। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। जो कोई प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है। जो कोई प्रश्न नहीं पूछता वह सदैव मूर्ख बना रहता है। जो लोग कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता, उन्हें उन लोगों को बीच में नहीं रोकना चाहिए जो इसे कर रहे हैं।
जो एक दिन उड़ना सीखता है उसे पहले खड़ा होना, चलना, दौड़ना, चढ़ना और नृत्य करना सीखना होगा। कोई उड़कर नहीं उड़ सकता। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कभी भी दूसरे लोगों की सीमित कल्पनाओं तक सीमित न रहें। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। जो आपके पास है उसका उपयोग करें। जो आप कर सकते हैं वह करें। आपको जो करना है वह कर सकते हैं, और कभी कभी आप इसे जितना सोचते हैं उससे भी बेहतर कर सकते हैं। उस व्यक्ति को हराना कठिन है जो कभी हार नहीं मानता। हो सकता है कि आप ही एकमात्र व्यक्ति बचे हो जो आप पर विश्वास करता हो, लेकिन यह काफी है। अंधकार के ब्रह्मांड को भेदने के लिए केवल एक तारे की आवश्यकता होती है। कभी हार न मानना। जिस क्षण आप वह करने का निर्णय लेते हैं जो आपको करना पसंद है, आपने अपने लिए एक जीवन योजना और एक करियर विकल्प बना लिया है। अच्छी तरह कमाओ, बुद्धिमानी से खर्च करो और तुम खुशी से रहोगे। अपनी प्रतिभा का मिलान उन अवसरों से करें जिनके बारे में आप भावुक हैं। वह अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो निर्णय लेने के लिए बहुत लंबा इंतजार न करें, क्योंकि जब आप बहुत अधिक समय लेंगे तो निर्णय आपके लिए किया जाएगा। आमतौर पर यह आपके लाभ के लिए नहीं होगा। जीवन में सफलता हमेशा अनुभव से आती है और यह अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको सबको सुनने की आदत तो होनी चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो आपके मन को बेहतर लगे। दुनिया की कोई ताकत हमें तब तक आपको सफलता नहीं दिला सकती जब तक कि आपके भीतर खुद से सफलता हो पाने की इच्छा और जिद न आ जाए। सफलता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की असफलता से मुलाकात निश्चित है। ऐसे में हार के डर से प्रयास कभी जीत के प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता कभी भी सपने देखने भर से नहीं मिलती है, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए की जाने वाली सही दिशा में की गई मेहनत और प्रयास से मिलती है। काम कोई भी हो, अगर हम उसे बोझ मानकर करेंगे तो उसमें न तो सफलता मिलेगी और ना ही उस काम को करने से मन प्रसन्न होगा। काम प्रसन्न होकर करने से ही मन को शांति मिलती है, और शांत मन से किए गए काम में कामयाबी मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। विचारों की नकारात्मकता की वजह से सरल काम भी कठिन लगने लगता है, इसीलिए अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। यहां जानिए कुछ ऐसे प्रेरक विचार जिनसे हमारी सोच सकारात्मक बन सकती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये बात एकदम सच है, अगर आप मेहनत करो तो। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्षों के मार्ग को स्वीकार करना पड़ता है। सफलता का अर्थ कोई एक मंजिल नहीं बल्कि पूरा सफर होता है। जिनके स्वभाव में परिश्रम करना होता है उनसे बड़ा संसार में कोई साहसी नहीं होता। आशाओं की बाती से जले दीप ही निराशा के तमस का नाश करते हैं। सफलता एक ऐसा दीप है जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। साहसी वह नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता है, साहसी तो वह होता है जो संघर्षों का सामना करता है। जीवन में असफलता अनेक बार आती है, इसका अर्थ यह नहीं कि मानव कर्मों को त्याग दे। हौसलों के साथ लिए गए फैसले ही मानव को सफलता द्वार तक ले जाते हैं। कठिन परिश्रम ही मानव को सदमार्ग दिखता है। महान सपने देखने वाले ही संघर्षों का सम्मान करते हैं। सकारात्मकता को शीश पर रखने वाले संघर्षों में सत्य की खोज में निकलते हैं। बार बार ठोकर खाने पर भी ठहाका लगाने वाले ही जीत की अद्भुत गाथा लिखते हैं। उचित उतना ही है जितना कि कर्मों का सार, बाकी सब सवालों का जवाब होता है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जीवन में जितनी कठिनाइयां होती हैं, सफलता का आनंद भी उतना ही आता है। संघर्ष ही मानव को उसकी सीमाओं से परिचित करवाते हैं। सफलता तुम्हारे संघर्ष का अंत नहीं है, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत होती है। पीड़ाओं में पलने वाले ही परिवर्तन को जन्म देते हैं। जोखिम ना लेना ही बहुत बड़ा जोखिम है। कार्य असफल नहीं होता, बल्कि उसकी गलत दिशा सफल हो जाती है।